एक गुरु अपनी साधना में तल्लीन थे। तभी वहां से एक राजा अपने घोड़े पे सवार होकर गुजरता है। राजा गलती से अपना रास्ता भूल जाता है और उस भयंकर जंगल में रास्ते को खो जाता है। अचानक से उस सन्यासी को देखकर उसकी सांस में सांस आ जाती है और वो उस सन्यासी के पास जाता है। चूंकि उसने काफी दिन से साधना में रत था तो उसके कपड़े थे वो बिल्कुल फटे पुराने हो गए थे। लगातार की साधना की वजह से उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसको देखकर राजा ने कहा कि अरे भिखारी, उठकर देख, राजा तेरे द्वार पे आया है, आंखें खोल और बता कि ये मार्ग कहां जाता है। उस सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, यह मार्ग वहां जाता है जहां कोई नहीं जाता, जहां कोई जाना भी नहीं चाहता। राजा ने कहा, अरे पागल, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर राजा नहीं जा सकता? तू मार्ग तो बता, मैं उस मार्ग पे तुझे जाकर दिखलाता हूं, बता किस दिशा में जाना है। राजा ने कहा, तू जल्दी से बताता है वरना मैं तुझे मार दूंगा। तब उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, आपको पांचवी दिशा में जाना है। जब राजा इस बात को सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिशाएं तो चार ही होती हैं। राजा ने गुस्से से कहा कि तू मेरा मजाक उड़ाता है, चूंकि मैं यहां जंगल में हूं तो तू ये सोचता है कि तू मेरा मजाक उड़ा लेगा। मैं राजा हूं, मैं तुझे अभी मृत्युदंड दे सकता हूं, क्योंकि सारा संसार जानता है कि दिशाएं तो सिर्फ चार होती हैं। आखिर ये पांचवी दिशा कौन सी है? और अगर तूने इसका जवाब नहीं दिया तो यही तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब उस सन्यासी ने कहा कि इस दुनिया की हर दिशा जहां नहीं पहुंच सकती, वो एक दिशा ही पांचवी दिशा है। उस दिशा का मार्ग तुम्हें और कोई नहीं दे सकता, उस पर खुद ही चलना होता है, और उस दिशा के पार कोई पहुंच भी नहीं पाता, और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा बलशाली है जो तुम्हें उस दिशा तक ले जा सके। उस पर कदम तक रखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। अपने आप को सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राजा कहलाने वाले लोग भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब तो राजा के अहंकार को चोट पहुंची और उसने कहा, तू मार्ग बता, चलकर मैं तुझे दिखाऊंगा, तू दिशा बता, क्यों पांचवी दिशा कहां है? गुरु ने कहा कि दिशा के बारे में किसी राजा को, किसी भिखारी को, अमीर को, गरीब को, अच्छे को या बुरे को नहीं बताया जा सकता। और यह सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि यह भिखारी जैसा दिखने वाला सन्यासी उसका समय बर्बाद कर रहा है और हो न हो ये इसका मजाक उड़ा रहा है। राजा क्रोध में आ गया, उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे मृत्युदंड देने का निर्णय किया। उसने अपने दो चार सिपाहियों से जो उसके साथ थे, उसने उस सन्यासी को पकड़वा कर अपने दरबार में उपस्थित किया और उसका सिर कलम करने का आदेश दे दिया। जब सिपाही उसका सिर कलम करने वाले थे, तब वह गुरु अचानक जोर से बहुत तेजी से हंसा और उसकी हंसी देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लग रहा? तब उस सन्यासी ने कहा कि राजा, मैंने कहा था ना कि कोई राजा उस पांचवी दिशा में नहीं जा सकता, तो तुम भी ना जा सके। और याद रखो, मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, वरदान है जो मुझे मिल रही है। तुम इस शरीर को मार रहे हो, मुझे नहीं। अब राजा ने गुरु को छोड़ देने का आदेश दिया और कहा, हे सन्यासी, कृपया करके आप भी मुझे उस पांचवी दिशा के बारे में बताएं, क्योंकि आपकी बातें रहस्यमयी हैं। तब सन्यासी ने कहा कि पहले तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, ये बताओ कि तुम्हारे राज होने में तुम्हारा कितना बड़ा योगदान है। राजा ने कहा कि मेरे राजा होने में मेरा पूरा योगदान है, मैं अपनी काबिलियत और बल के सहारे राजा बना हूं। मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, बहुत सारे लोगों को मारा है, दिन रात एक कर दिया है। गुरु ने राजा से कहा, पांचवा मार्ग जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब वो सन्यासी राजा के साथ उसको लेकर एक मार्ग पर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया।
उसे देखकर उस सन्यासी ने राजा से कहा, राजन इस व्यक्ति के भिखारी होने में इसका कितना बड़ा योगदान है। राजा ने कहा, इस व्यक्ति के भिखारी होने में इसका पूरा पूरा योगदान है। व्यक्ति अपने कर्म और बल के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इसने कर्म ही नहीं किया होगा, इसीलिए भिखारी हो गया। गुरु ने उस भिखारी से पूछा, भाई तुम भिखारी क्यों हो, राजा क्यों नहीं हो गए? उस भिखारी ने कहा कि मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं पता, बचपन में ही वो मुझे छोड़कर चले गए। एक वृद्ध औरत ने मुझे पाला, लेकिन जब मैं छोटा ही था तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। बचपन में अपना पेट पालने के लिए जब कोई भी काम नहीं मिलता तो मैं भीख मांगने लगता। ऐसा करते करते मैं बड़ा हुआ। मैंने अपने भविष्य के लिए भी कुछ धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे बहुत बड़ी गंभीर बीमारी लग गई। मेरे शरीर से कुछ भी काम नहीं होता था और धीरे धीरे वो सारा एकत्रित धन उसी बीमारी में चला गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। और अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं, इसलिए जिंदा रहने के लिए मैं भीख मांगता हूं। तब उस गुरु ने राजा से कहा कि राजन, इस भिखारी की परिस्थितियां अगर आपको मिलती तो क्या आप राजा बन पाते? अगर आप भी इन परिस्थितियों में होते कि आप एक राजा के घर ना पैदा होकर एक भिखारी के घर पैदा होते, या आपका ये जो सुंदर शरीर है वो किसी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाता, या आपके शरीर में बल ही नहीं होता, तो क्या आप राजा होने के बावजूद भी बहुत दिनों तक राजा के पद पर रह पाते? क्या भिखारी बनना इसका खुद का चुनाव था? क्या ये जानबूझ के भिखारी होने के लिए एक भिखारी के घर में पैदा हुआ, या आप जानबूझकर राजा के घर पैदा हुए ताकि आप राजा बन सके? क्या गरीब माता पिता के घर पैदा होना इस भिखारी का चुनाव था ताकि ये आगे चलकर भिखारी बन सके? आपका राजा होने में आपका कौन सा योगदान है, और इसके भिखारी होने में इसका क्या योगदान है? इस दुनिया में जो भी है उनका वह होने में कोई योगदान नहीं है। परिस्थितियां, वातावरण, जन्म का स्थान ये निर्णय करते हैं कि आप क्या होंगे। अब सोचो राजन कि तुम्हारे राजा होने में तुम्हारा कितना योगदान है। राजा ने कहा, लेकिन गुरुदेव, कर्म भी तो कोई चीज है, कर्म किसी भी स्थिति को बदल सकता है। गुरु ने कहा, कर्म भी परिस्थितियों के अधीन होते हैं, वातावरण के अधीन होते हैं। तुम कर्म किसे देख के करते हो? परिस्थितियों को देखकर ही करते हो ना, स्वतंत्र रूप से तुम कर्म कर ही नहीं सकते, तुम्हें कर्म के बंधन में बंधना ही पड़ता है। स्थितियां तुम्हें इस बंधन में बांध देती हैं। भूख एक स्थिति है, यह तुम्हें चोर भी बना सकती है। इसी तरह एक राजा को भिखारी भी बना सकती है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। अब राजा गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, क्या हम सिर्फ कठपुतले हैं? गुरु ने कहा, राजन, अब आप उस मार्ग पे चल सकते हो जो दिशा, जिसे मैं पांचवी दिशा कहता हूं, उस पर जा सकते हो, जहां राजा या कोई और नहीं जाता, क्योंकि वहां वही चल सकता है जिसने इस दुनिया की हकीकत जान ली है। उस मार्ग पे जिसने अपनी मंजिल को पा लिया, वही परिस्थितियों के बाहर स्वतंत्र कर्म कर सकता है। तब उसे उन परिस्थितियों का प्रभाव, परिणाम, जो कि बुरा भी हो सकता है, मिलना बंद हो जाता है। राजा ने उस गुरु से प्रार्थना की, कृपा करके आप मुझे वो दिशा दिखाएं, वो मार्ग बताएं। गुरु ने कहा, हे राजन, वो दिशा बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर की दिशा, तुम्हारे भीतर का मार्ग, तुम्हारे अंदर का मार्ग, जिस पर न कोई चलता है। जो भी इस दुनिया की असलियत को समझना चाहता है वही इस मार्ग पर चलता है। यह मार्ग तुम्हें जीवन के सत्य से परिचित कराता है, तुम्हें तुम्हारी पहचान कराता है, तुम्हें बाहर की दुनिया से निकाल कर अंदर की दुनिया में एक नया मार्ग दिखाता है। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने तो बहुत सारे शास्त्रों को
कंठस्थ किया। मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये नहीं बताया कि भीतर भी कोई ज्ञान है, भीतर भी कोई मार्ग है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा कोई अनुभव भी है या सिर्फ लिखी और सुनी ही बात को तुम्हें पता है? अपने ज्ञान के संबंध में कोई अनुभव बताओ, यही बताओ कि तुम कौन हो। राजा ने कहा, मैं परम ब्रह्मा हूँ, इसका रूप मुझ में समाया है, शरीर में मेरी आत्मा रहती है और वही आत्मा मैं हूँ। शरीर मर जाता है लेकिन मैं नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है, शरीर से मेहनत होती है लेकिन आत्मा वैसी ही रहती है। गुरु ने कहा, यह उत्तर कौन दे रहा है, क्या यह तुम देख रहे हो? यह उत्तर किसी और ने दिया है और तुम दोहरा रहे हो। अगर यह उत्तर तुम्हारे खुद के अनुभव हैं, तो तुम ज्ञानी हो, और अगर तुम किसी और के उत्तर को दोहरा रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तब तुम अज्ञानी हो। अपने भीतर का जो मार्ग है वो तुम्हारी इसी अवस्था को दूर करता है, क्योंकि पहले ज्ञान यही होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और अब बताओ कि क्या तुम्हें कुछ पता है। राजा ने कहा, आप सत्य कहते हैं, जब मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं तो मैं बड़ा अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूं। मेरे सारे उत्तर भी रटे रटाए हैं, किसी शास्त्र किसी ग्रंथ के पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में इस चीज का अभी तक कोई अनुभव नहीं किया है, मुझे खुद से खुद का ही अनुभव नहीं है। राजा उस गुरु की शरण में चला जाता है और भीतर के मार्ग की खोज करने लगता है। हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, पर एक खास बात आवश्यक होती है और वो ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख हो या बड़े से बड़ी खुशी, परिस्थितियों के हिसाब से सब बदल जाता है। बहुत गहरे में विचार करेंगे तो पता चलता है कि वास्तव में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब हो रहा है, हम केवल माध्यम हैं इस संसार में कुछ भी होने के। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे लिए ही हैं, ताकि इन परिस्थितियों में हम कर्म कर सकें। चाहे वो परिस्थितियां आपके लिए खराब हो अच्छी हो, वो परिस्थितियां ही आपको कर्म करने के लिए बांधती हैं। बस यहाँ पे जिस व्यक्ति को अपने अंदर के मार्ग का पता होता है, वो हर परिस्थिति में भी सही और गलत का निर्णय ले लेता है, वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ता है। तो कभी भी ये मत कहें कि जीवन आपके लिए कष्टपूर्ण रहा और दूसरों के लिए आराम दे। ये सब कुछ भी हमें हमारी परिस्थितियों ने दिया, लेकिन जो अपने भीतर की यात्रा को जानता है, जो अपने भीतर सुकून से रहता है, उसे बाहर की कठोर परिस्थितियां भी विचलित नहीं कर पाती हैं। वो अपने कर्म को उन परिस्थितियों में भी करता रहता है और उसके बावजूद भी वो अपने भीतर की शांति को कभी नहीं खोने देता है। तो जीवन में जो मार्ग जानने लायक है, वो मार्ग है आपके भीतर का मार्ग, वो पांचवा मार्ग जो आपको जिंदगी में जीना सिखाएगा, जो आपको आपकी परिस्थितियों में होने वाले कर्म के बंधन से मुक्त होना सिखाता है। क्योंकि हर कर्म बंधन देता है, चाहे वो सुख के रूप में मिले या दुख के रूप में। बंधन तो है, सुख को भी भोगना पड़ेगा और दुख को भी भोगना पड़ेगा। कैसे निर्विकार हो जाए, कैसे उस मार्ग के ओर चल सके, और वो मार्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर का मार्ग है। जिसने उस मार्ग को जान लिया, बस वही बुद्ध हो गया।